इतना वेट किया। जी हाँ गाइज, इतना वेट किया इस मूवी का, लेकिन ये मूवी बहुत नहीं बहुत नहीं बहुत बड़ी मास्टरपीस निकली यार। व्हाट अ फिल्म मैन, व्हाट अ फिल्म, क्या फिल्म है भाई। और जो ऐसा बोल रहा है, जी हाँ गाइज, जो ऐसा बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है गाइज। इट्स अ माइंड ब्लोइंग फिल्म, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बेटर निकली। मूवी देखने से पहले गाइज मेरे माइंड में बॉयकॉट वाली सारी बातें चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने लाल सिंह छड्डा देखना स्टार्ट की यार, वो सब कुछ मेरे माइंड से निकल गया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आई क्या हो रहा है। पूरे का पूरा गाइज मैं इस मूवी में खो कर रह गया। जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो बहुत से लोगों को एक शिकायत थी कि यार ये मूवी एक हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गम का रीमेक है, लेकिन ये कंप्लीट रीमेक नहीं है। बहुत सी चीजें आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी, लेकिन वहीं पर बहुत सी चीजें गाइज डिटो कॉपी है। ऐसे लगता है कि फॉरेस्ट गम से आमिर खान ने वो चीजें उठा के डायरेक्ट लाल सिंह छड्डा में डाल दी हो। जी हाँ, बात करें अगर हम स्टोरी लाइन की, डोंट वरी, जरा भी स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक ऐसा कैरेक्टर गाइज, एक ऐसा कैरेक्टर लालो भाई साहब, जिसको जिसके माइंड में दोस्तों बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है, टोटली का टोटली पॉजिटिव, जिसको डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसे बच्चे बहुत एवरेज होते हैं, लेकिन उसके साथ दोस्तों गुड लक ऐसा काम करती है कि गाइस उसे इतना कुछ मिलता है कि खुद उसे तक नहीं पता होता। लेकिन इसी के साथ उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। अब इस सब के पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या साइंस है, वो जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और मैं आपको बताता चलूँ, मूवी के अंदर एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा, लास्ट पे गाइस एक ऐसा सीन आने वाला है जब ये कैरेक्टर लाल, यानी कि आमिर खान लाल गाइस, ये भागता है और इतना भागता है और कहां कहां से भागता है गाइज, ये देख कर ना लिटरली आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जब मैंने ये देखा, मैं अगर आपको अपना रिएक्शन बताऊं, मैं गाइज फुल इमोशन में चला गया। मतलब मैं एक दफ़ा सोचने लग गया कि यार ये कैसे भाई, ये क्या कैसे, मतलब इतमिन जब वो भागना गाइज शुरू करेगा तो वो रुकेगा नहीं, और वो इतना भागेगा कि आप लोग खुद एक दफ़ा शॉक्ड हो जाओगे जब वो बताएगा कि मैं इतना भागा हूँ। और वो भागता जिस वजह से, और जब वो रीज़न आपको पता चलेगी तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि मतलब क्या यार, मतलब कि यार किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर टचिंग, आप एक दफ़ा अंदर से रोगे, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। खैर, मूवी के अंदर गाइज आपको चार मेन कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं, लाल की माँ रूपा, बाला एंड पाजी। और गाइज एक से एक ने पढ़कर एक्टिंग की है। अगर मैं कहूँ ना एक की एक्टिंग नहीं अच्छी दूसरी की अच्छी है तो ये गलत होगा यार, एक से बढ़कर एक ने एक्टिंग की है। और स्पेशली बाला भाई साहब, बाला का जब आर्मी में, मींस कि आमिर खान के साथ, लाल के साथ आप बॉन्ड देखोगे, जिस टाइप का उनका बॉन्ड बनेगा वो आर्मी में, जिस तरह से लड़ेंगे, आर्मी से याद आया। गाइज इस मूवी के अंदर आपको पॉलिटिक्स और आर्मी रियल बेस पे, रियल इंसिडेंट्स पे काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है। हॉलीवुड की फिल्म जो थी फॉरेस्ट गम, उसका अमेरिकन लेवल पे था। अगर आपने कुछ देखी हो तो आपको इतना समझ नहीं आता कि कौन सी वॉर थी या कौन से वो पॉलिटिशियंस थे, लेकिन लाल सिंह छड्डा में आपको सब कुछ समझ आएगी कि ये पॉलिटिशियन कौन है, ये जंग, ये वॉर कहाँ हुई थी, किस तरह से, ईच एंड एवरी थिंग। और ये इसमें आप ना एक दफ़ा खोकर रह जाओगे कि भाई ये क्या है, मतलब आपको मजा आ जाएगा। और बाला पे हम थे तो बाला का भी दोस्तों एक ऐसा सीन आएगा जब आप देख के एक दफा कहोगे कि ओ भाई ये क्या हो गया। बाला के साथ फिर सीन आएगा पाजी का, पाजी को भी देख के ना आप कहोगे कि रो पड़ोगे। मतलब इतना इमोशन है इस मूवी में गाइज कि मैं जितना बोलूं उतना कम है। आ जाती है बारी दोस्तों रूपा की। रूपा की कुछ सीन ऐसे होंगे मूवी के अंदर जिन पे आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप कहोगे कि यार ये क्या लड़की है भाई, ये क्या कर क्या रही है, ये क्या कर रही है लाल के साथ। लेकिन फिर एंड पे एक ऐसा सीन होगा कि आप कहोगे कि ओ यार मजा आ गया, आप क्लैपिंग जरूर करोगे उस सीन पर। आ जाते हैं दोस्तों हम लाल यानी कि आमिर खान की एक्टिंग पर। बहुत से लोग कह रहे थे आपको इसमें पीके का फ्लेवर देखने को मिलेगा, धूम थ्री वाला वो जो आमिर खान का रोल था वो देखने को मिलेगा, तो गाइस कुछ भी नहीं है ऐसा। आप इस कैरेक्टर लाल में ऐसा खोने वाले हो कि आपको आमिर खान की पिछली कोई भी फिल्म याद तक नहीं रहेगी कि क्या हुआ था।
ऐसा आमिर खान ने इस मूवी के अंदर खुद को कन्वर्ट किया है, ऐसा लगेगा आपको कि सचमुच लाल ऐसा है यार, एक ऐसा करेक्टर जो बिल्कुल यूनिक है। मैं सोच रहा था मूवी देखते वक्त कि अगर सारी ऐसे हो जाए, खैर वो डजेंट मैटर, अलग टॉपिक है। बात करूँ सॉन्ग्स की, सब सॉन्ग अच्छे थे, लेकिन तुर्कलया लास्ट पे ही आएगा जिसे सुनने के बाद आप लोग कहोगे कि ख़त्म है भाई, सॉन्ग ख़त्म है। एंड लेवल सॉन्ग था, मुझे बहुत पसंद आया, बैकग्राउंड मूवी के साथ मैच कर रहा था, बिल्कुल अच्छा था, बीजीएम टोटली का टोटली अच्छा था। मूवी दोस्तों बिल्कुल अच्छी है, मूवी का सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने हॉलीवुड की फिल्म फॉरेस्ट गम देखी है तो उसके अंदर कुछ सीन ऐसे थे जो बिल्कुल सेम डिटो कॉपी उठाए गए हैं लाल सिंह छड्डा के अंदर, बिल्कुल लाल सिंह छड्डा के अंदर। आई थिंक सो, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन था कि उनको भी थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता था, जैसे पाजी वाला एक सीन है वो चेंज किया जा सकता था, लाल के कुछ सीन है वो चेंज किए जा सकते थे, लाल की माँ के सीन है, रूपा के कुछ सीन है जो बिल्कुल डिटो, कुछ बाला के कोई सीन है जो डिटो उठाए गए हैं, जिन्हें चेंज किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल एक रीमेक मूवी थी तो वो कितना चेंज करते। तो ये जिन लोगों ने फॉरेस्ट गम देखी है तो आपको कहीं ना कहीं टॉम हंक्स याद आने वाला है गाइज, वो नहीं भूलता है वो करेक्टर, बिलीव मी, और अब आपको लाल भी नहीं भूलेगा। लेकिन ओवरऑल मैं अगर ये कहूँ कि 2022 के अंदर अगर मुझसे कोई बेस्ट इमोशनल मूवी का पूछे तो मैं उसको लाल सिंह छड्डा सजेस्ट ज़रूर कहूँगा, कि अगर आपने कोई इमोशन लव से भरपूर एक अलग यूनिक टाइप अगर आपने कोई फिल्म देखनी है तो यार आप लाल सिंह छड्डा ज़रूर देखना। बाकी अब आप लोग मुझे बताओ आप में से कितने भाई लोग देख के आए हैं तो आपको कैसी लगी, और लाल सिंह पे रोना आया या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो पसंद लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अगली आने वाली वीडियो का अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।